वेलकम टू सारिका किचन रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ दूध पिट्ठा, या तो इसे चावल के आटे की मिठाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रसमलाई से कम नहीं है। तो इसे हम बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसे बनाने के लिए हमें ले लेना है खोआ और चावल का आटा, शुगर पाउडर और इलायची पाउडर। सबसे पहले मैं आटा लगा लूँगी। इसके लिए हम ले लिए हैं एकदम उबला हुआ दूध। दूध एकदम गर्म है। इसी दूध से आटा को हम लगाएंगे। इसके लिए दूध हमें उबलता हुआ ही चाहिए और हम चम्मच की सहायता से आटा में दूध को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करना है। इतने ही दूध हमें डालना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम अच्छी तरह से आटा लगा लेंगे। अब हम खोआ का स्टफिंग तैयार कर ले रहे हैं। खोआ में हम चीनी डाल दिए हैं, 100 ग्राम चीनी डाले हैं। 200 ग्राम खोआ था, इसमें 100 ग्राम चीनी डाले। 4-5 छोटी इलायची डाल दिए हैं कूट कर, और इसे मिक्स कर लेना है। अब ये मिक्स हो गया है। अब मैं आटा लगा लूंगी। मैं इसमें जितना दूध डाली थी उससे परफेक्ट आटा गुथा गया है। अगर आपको लगे इसमें अगर थोड़ा सा दूध डलाएगा तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल दें हल्का गर्म, और अच्छी तरह से आटा गूँथ लें। थोड़ा सा हाथ में घी ले लिए हैं और इसे घी से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। घी लगाने से हाथ में चिपकेगा नहीं और आटा अच्छी तरह से स्मूथ हो जाएगा। और हाथ में घी लगाकर, घी या तेल कुछ भी लगा सकते हैं, घी लगाकर लोई काट लेंगे, जिससे हाथ में चिपकेगा नहीं आटा। चावल का आटा बहुत हाथ में चिपकता है, इसलिए घी लगाते हुए ही करें। नींबू आकार का बोल तैयार कर लेंगे और इसमें खोआ भर देंगे। खोआ बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, नहीं तो फट जाएगा। और इस तरह से बंद कर लेना है। बहुत आसानी से बंद हो जाता है। और इस तरह से इसे कर लेना है गोल। इसी तरह से सारे पिट्ठे तैयार कर लेंगे। ये दूध पिट्ठा खाने बहुत ही स्वादिष्ट होता है, सभी को बहुत पसंद आएगा ये रेसिपी। इसे मैं दूध में पकाऊंगी। दूध गर्म हो गया है और इसमें चीनी डाल दिए थोड़ा सा। मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें 4-5 चम्मच चीनी डाल दिए हैं और छोटी इलायची को कूट कर डाल दिए हैं। दूध 1 kg लिए हैं और दूध को उबाल लिए।
और इसमें जो सारे पिट्ठे बना कर रखे थे उसे ऐड कर दिए। हमें दूध कम लग रहा था इसलिए इसमें और दूध डाल दिए हैं। थोड़ा देर इसे हम ढक दिए हैं, ज़्यादा देर नहीं ढकना नहीं तो दूध उबल कर फेंकने लगेगा, ध्यान रखें। और इसे हम चम्मच के पीछे की सहायता से ही चलाएंगे, नहीं तो ये फट जाएगा, चम्मच से कट जाता है। इसे बीच में एक दो बार चला देना है। इसका पकने का ये पहचान है कि जब ये पक जाएगा तो नीचे से बर्तन को छोड़ देगा। जब आप चलाएंगे तो नीचे से बर्तन को छोड़ा हुआ रहेगा तो समझ जाइए कि पिट्ठा पक गया है, और गैस बंद कर दें। अब ये पिट्ठा बनकर तैयार है क्योंकि ये बर्तन को छोड़ दिया है। इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये 3 से 4 मिनट में पक जाता है। गैस बंद कर दिए हैं, इसे सर्व करें। ये बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।